अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आमीन जुमा आमीन। मैं ली हूँ फली, फली को फ्राई कर ली हूँ। मैं बना रही हूँ आज पक्का रहा खाना, कौरमा मटन का हैदराबादी स्टाइल में। फली को भी, खोपरे को भी कट करके भून ली हूँ, खसखस को भी भून ली हूँ। थोड़ा सा तेल डालूँगी मैं प्याज को, एक डल्ली प्याज है ये, मतलब एक फ्राई प्याज ही है। चलिए ये थोड़ी हो गई है, प्याज भी रेडी हो गई है, थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी भून लूँगी मैं। चलिए ग्राइंड कर लेते हैं। इसके बाद दही ली हूँ और बरिस्ता ली हूँ। वो ग्राइंड होने के बाद मैं ये और वो डाल के भी भेज देंगे। बरिस्ता, बरिस्ता नहीं तली हुई प्याज तली हुई। इसके बाद गोभी पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन, मटन, धनिया पाउडर और नमक, गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची और बरिस्ता, तली हुई प्याज, सब चीज़ों को ले लेंगे। और साबित गरम मसाला, लौंग, इलायची, इधर है देखिए लौंग, इलायची, शाहजीरा, दालचीनी, खत्म। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए गर्म हो गया पैन, उसमें अब डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल, 4-5 टेबलस्पून गरम मसाला डालेंगे। गोश्त और अदरक लहसुन डाल के अच्छे से भुनेंगे। अब बरिस्ता प्याज भी डाल देंगे इसमें थोड़ी सी, तीनों चीज़ों को भुनेंगे अच्छे से। उसके बाद सब ये मसाले डालेंगे, उसमें वगैरह तो डाल दिए, मिर्ची, नमक, अदरक लहसुन, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, साबित गरम मसाला, शाहजीरा, सब डाल के उसके बाद मसाले डाल के फिर भुनेंगे। भुनने के लिए रख दी हूँ मैं अभी अच्छे से, मिक्स कर रही हूँ अभी। ये डालेंगे हरा मसाला, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची कटी हुई, वॉश करके रख ली थी मैं। ये देखिए भुने जा रहा, अभी ऑयल नहीं आया। देखिए माशाल्लाह ऑयल आना शुरू हो गया है। ढक्कन ढक के रखना है, लेकिन तो बहुत ज़्यादा वो चलता है। देखिए माशाल्लाह ऑयल आना शुरू हो गया है, ऑयल आ गया है। अभी हम इसको साइडों से क्लीन कर लेके हरा मसाला डाल देंगे, डाल के स्लो पे रख देंगे, स्लो फ्लेम पे। माशाल्लाह देखिए हैदराबादी मटन कौरमा इन माय स्टाइल। ऐसी अच्छी रेसिपीज के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल या मुजीब ऑफिशियल। माशाल्लाह अच्छे से पक रहा है, अभी ये भी बन के रेडी हो गया है माशाल्लाह। अभी मैं कंटेनर में निकाल रही हूँ। घरों से पिसल जा रहा था ये।
माशाल्लाह बन के तैयार है हैदराबादी मटन कौरमा। इसके बाद बघारा खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, करिया पाक, प्याज कटी हुई, गरम मसाला, साबित अदरक लहसुन ले लेंगे। तेल डाल देंगे इसमें 4 टेबल स्पून, नहीं 3 टेबल स्पून, 3 डालूँगी मैं। प्याज डाल देंगे, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, करिया पाक, थोड़ा सा सोया भी डाली में, और शाहजीरा, दालचीनी, इलायची, लौंग, ये सब चीज़ों को डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन के होने तक, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन करेंगे डार्क तो अभी सहरी करना रहता ना, रमज़ान है तो कभी कभी किसी को जमता नहीं, तो अच्छे से इसको ब्राउन ब्राउन करेंगे लाइट ब्राउन, अच्छे से ऐसे ही भूनना है इसको। अभी मैं चावल धो के रख ली थी, चावल डाल देंगे, पानी डाल देंगे, चावल को धो के रखने के बाद फिर चावल डाल के फिर भूनना उसमें पानी डाल के। इसके बाद होने के बाद 2-3 सीटी के बाद माशाल्लाह बन के तैयार है बघारा खाना, कौरमा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।